बांदा में दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना सामने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। बांदा में दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना सामने आई, ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को 3 किलोमीटर तक घसीटा, इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से बता रहे हैं। बांदा में दिल्ली जैसी कांझावाला इलाके जैसी एक दर्दनाक घटना बांदा से सामने आई, जहां ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को 3 किलोमीटर तक घसीटा, जिसमें महिला की मौत हो गई। कृषि विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी थी जिसकी मौत हो गई है। ट्रक में घर्षण से आग भी लग गई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। जहां बांदा में दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को लगभग 3 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला कृषि विश्वविद्यालय की कर्मचारी थी। ट्रक में भीषण आग लगी, आरोपी ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, और जनपद में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। जहां देश भर में दिल्ली जैसी घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है, वहीं बांदा से एक ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद बांदा से जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना बांदा में भी हुई है, लगभग 3 किलोमीटर तक महिला को घसीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये घटना सामने आई, ये नगर कोतवाली क्षेत्र के मवई बाईपास की घटना है, और देर शाम 7:30 बजे ये घटना हुई। मवई बाईपास स्थित कृषि चरण विश्वविद्यालय के पद पर तैनात थी लखनऊ निवासी पुष्पा देवी की स्कूटी सब्जी लेने जा रही थी, तभी रास्ते में ट्रक में स्कूटी फंस जाती है, और काफी दूर तक लोग आवाज देते रहते हैं, मगर ट्रक चालक ट्रक भगाता रहता है, और जिससे उनकी घसीट कर मौत हो जाती है, और ट्रक में भी आग लग जाती है, जिससे उनका शव भी जल जाता है काफी हद तक। जिसमें पुलिस ने मौके पर भारी फोर्स के साथ पहुंचकर एडिशनल SP और वहां पर SDM और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पूरा अमला पहुंचकर क्रेन से ट्रक को निकालता है, और फायर ब्रिगेड से आग बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा का कहना है कि जांच की जा रही है, ट्रक ड्राइवर फरार है, उसको भी गिरफ्तारी की जाएगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई। एक घटना को साल के पहले दिन शुरुआत, जिस दिन साल की हो रही थी 2023 की, दिल्ली में भी ऐसी ही घटना को एक अंजाम दिया गया था, और आज बांदा में भी उसी तरीके की घटना हुई है। जी जी, आपको बता दें कि जैसे ही दिल्ली की घटना का अभी आंसू लोग सूखे भी ना थे, ऐसे ही बांदा की ये घटना सामने आई, इससे लोगों में बिल्कुल सनसनी फैल गई और एक डर का माहौल बना हुआ है। जनपद में जब से ये हादसा हुआ सड़क हादसे के बाद से लोग सहमे हुए हैं, रोड पे चलने से घबरा रहे हैं, और ये एक हादसा बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। कुछ दिन पहले ही इनके पति एक्सपायर हुए थे कोविड के समय पे, अब इनके एक्सपायर हो जाने से इनके परिवार को भी बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है, जिसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र भी बहुत आक्रोशित है, और वहां पर उनको भी बहुत दुख पहुंचा है, और पूरा स्टाफ को भी दुख पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद गुल मोहम्मद। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बांदा में दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को लगभग 3 किलोमीटर घसीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है।